G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को मध्य दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान यहां भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय के अधीन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की ओर से नटराज की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। दुनिया में नटराज की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक को कुंभकोणम तालुक के स्वामी मलाई में देव सेनापति मूर्तिकला स्टूडियो में बनाया गया है। इस देव राधा कृष्णन, देव की कंदन और देव स्वामीनाथन ने साथियों की मदद से लगभग 6 महीने की कड़ी मेहनत से डिज़ाइन किया। इस प्रतिमा का 75% काम पूरा हो चुका है, इसलिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के प्रोफेसर अंचल पंड्या के नेतृत्व में एक टीम केंद्र के अधिकारी जवाहर प्रसाद और मनोहर दिशात के साथ स्वामी मलाई से दिल्ली तक वाहन से भारी सुरक्षा के बीच सड़क मार्ग से होकर इसे ले जाएंगे। केंद्र सरकार के अधीन संस्कृति विभाग द्वारा निर्मित यह प्रतिमा चोल शैली में डिजाइन की गई है। चूँकि इस शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति समेत कई महत्वपूर्ण विदेशी नेता हिस्सा लेंगे, इसलिए सुरक्षा कारणों से काम पूरा होने से पहले ही प्रतिमा को दिल्ली ले जाया जा रहा है। शेष 25% काम को पूरा करने के लिए स्वामी मलाई से 15 स्टॉफ प्रतिमा को पूरी तरह से डिजाइन करने के लिए दिल्ली लेके आएंगे। नटराज की यह विशाल मूर्ति 28 फीट ऊंची, 21 फीट चौड़ी और लगभग 25 टन वजनी है, जो कांस से बनी है। 10 करोड़ रुपये की कीमत वाली यह मूर्ति दुनिया में नटराज की पहली और सबसे बड़ी कांस्य की मूर्ति है। ऐसे वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।